हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ अपने चैनल अवीज टीचिंग में। आज हम आप लोगों बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर सा कटिंग, बहुत ही आसान सी कटिंग अफ़गानी सलवार का इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। अफ़गानी सलवार बनाने के लिए हमको चाहिए 2.5 मीटर कपड़ा, कैची कट करने के लिए इंच टेप नाप लेने के लिए, और ये लास्टिक अपने कमर के हिसाब से हम लेंगे। हमने अपने कमर का साइज 70 सेंटीमीटर है, तो हमने 70 सेंटीमीटर लास्टिक लिया है। और ये चौक निशान लगाने के लिए स्केल है, लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो अब हम बताएंगे आप लोगों को कि कैसे अफगानी सलवार की कैसे कटिंग की जाती है। तो ठीक है, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। देखिए तो हमको क्या करना है, ऐसे पहले ये कपड़ा 2 फोल्ड ऐसे मोड़ लेना है। देखिए हमने पहले ये 2 फोल्ड कर लिया है, और आराम से ऐसे पहले बराबर कर लेना है कि कहीं से कपड़ा सिकुड़ा ना रहे। उसके बाद फिर ऐसे फोल्ड कर देना है 4 फोल्ड। हम कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए हमने 4 फोल्ड कर लिया है। करने के बाद अब हम लेंथ का नाप निशान लगाएंगे। तो देखिए हमको 37 इंच लंबा चाहिए। देखिए 37 इंच लंबा चाहिए, उस पर हम क्या करेंगे, निशान लगा देंगे। 2 इंच हम लास्टिक के लिए हमको चाहिए, तो 2 इंच और ऊपर हम निशान लगा देंगे, और स्केल की हेल्प से एक सीधा लाइन ऐसे ड्रा कर लेंगे। ऐसे पूरा ऐसे सीधा लाइन हम क्या करेंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक। ऐसे ही हम क्या करेंगे, पूरा ऐसे सीधा लाइन हम ड्रा कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद जितना हिप का साइज होगा अपने अकॉर्डिंग, अपने शरीर के अकॉर्डिंग जितना हिप का साइज होगा उसका 1/4 भाग लेना है, और उसमें 2 इंच और ऐड करना है, ठीक है। तो मेरा है 11 इंच, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, 2 इंच और ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 इंच। देखिए 13 इंच हो गया। ये हमारा क्या है, कमर का साइज है, ठीक है। हम नीचे ये एक क्रॉच एरिया के लिए भी हम क्या करेंगे, 13 इंच पे ही निशान लगाएंगे, ठीक। 13 इंच क्रॉच एरिया के लिए, और उसके बाद क्रॉच एरिया में गुलाई भी होती है, तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, ठीक है। इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लेंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। अब हम दिखा रहे हैं ये क्रॉच एरिया जो 13 इंच हमने लिया है, यहाँ एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करके हम इसको पहले मिला देंगे, और जो ये 2 इंच यहाँ पे हमने लिया है, यहाँ भी ऐसे लाइन खींच लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम गोल ऐसे गोलाई मिला देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया क्रॉच एरिया का गोलाई। उसके बाद हम नीचे मोहड़ी, इसको भी हम क्या करेंगे, 13 इंच ही रखेंगे, क्योंकि इसमें से प्लेट बनाने होते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 13 इंच पे निशान लगा के और इसको यहाँ पे हम मिला देंगे, ठीक है। हल्का हल्का ऐसे चौक की सहायता से हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक। ये देखिए हमने कितने आसानी से ये लाइन ऐसे मिला दिया है, देखिए ऐसे हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे कट करेंगे आराम से, ठीक है, कोई भी जल्दी ना रहे। आराम से हम कपड़े को खिसका के उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे को अच्छे से हम इसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे, यहाँ से ऐसे नीचे के तरफ तक जहाँ मोहड़ी है बनाना है वहाँ तक हम क्या करेंगे, ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो लास्टिक का है निशान हमने लगाया है, वहाँ पे ऐसे कट्स लगा लेंगे, जिससे ये पता चले कि यहीं से कपड़ा मोड़ना है।
बाकी ये देखिए ये जो मोहड़ी का है कपड़ा, तो उसको क्या करना है, हम सिलते समय इसमें क्या करेंगे, हल्के हल्के आधा इंच का हम क्या करेंगे ऐसे सीधा प्लेट, ठीक है, बस मोहड़ी में ही बनाना है। आधा इंच का हम क्या करेंगे ऐसे सीधा प्लेट हम बना देंगे, देखिए आधा इंच का, इसमें हम सिलाई मशीन की हेल्प से सिलाई लगाते जाएंगे और आधा इंच का पूरा खूब अच्छे से हम इसमें अपने मोहड़ी के अकॉर्डिंग, जैसे 6 इंच अगर हम मोहड़ी रखते हैं चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे इसमें आधा आधा इंच का प्लेट्स बना करके हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ ये बचा हुआ जो कपड़ा है उसमें से हम इंच टेप की हेल्प से क्या करेंगे, पहले इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे ऐसे सीधा कर लेंगे कपड़ा, दोनों मोड़ी में लगाने के लिए हमने एक साथ कट करना है कपड़ा। देखिए यहाँ पे हम ऐसे इंच टेप की हेल्प से 3 इंच का, क्योंकि 2 इंच तैयार चाहिए मोहड़ी और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई, आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ठीक है, तो उसके लिए हमने 3 इंच का कपड़ा ले लिया है यहाँ देखिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सीधा ऐसे लाइन ऐसे ड्रा करके हमको इसको भी कट कर लेना है, देखिए ऐसे कट कर लेना है 3 इंच का, देखिए ऐसे कट करके हम ले लेंगे, देखिए, और उसके बाद जो हमने प्लेट्स बनाए हैं, ये जो हमने प्लेट्स बनाए हैं उसके नीचे ऐसे सीधा कपड़ा रख करके फिर हम क्या करेंगे उसकी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अगर हम चाहें तो इसमें बकरम भी यूज कर सकते हैं, नहीं करना है तो आधा इंच का ऐसे मोड़ दे करके हम क्या करेंगे इधर से ऐसे करके लैस पट्टी भी हम इस पर लगा सकते हैं, नीचे नहीं लगाना है तो बारीक सिलाई को फिनिशिंग वाला दे करके हम आराम से अपनी मोहड़ी बहुत ही सुंदर बहुत ही आकर्षक हम बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।